फैंस A1 पंजाबी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का कुकरी शो में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप घर बैठे आसान तरीके से पोटैटो तवा सैंडविच बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, पोटैटो तवा सैंडविच बनाने के लिए ये सारी सामग्री एक जगह पर तैयार कर लें। पोटैटो तवा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में आधा कप सूजी डालें। इसके बाद इसमें एक चौथाई कप दही डालें। एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस मिक्सर में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को 10 मिनट तक ढककर अलग से रख दें ताकि सूजी पानी को अच्छी तरह से सोख ले और सूजी फूल जाए। तब तक हम पोटैटो तवा सैंडविच की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए कद्दूकस किए हुए 2 आलू लें। इसमें बारीक कटा हुआ 1 प्याज डालें, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद तैयार किए स्टफिंग को कुछ समय के लिए अलग रख दें। फ्रेंड, सूजी के मिक्सर को 10 मिनट हो चुके हैं और सूजी ने सारे पानी को सोख भी लिया है। इसमें अब थोड़ा पानी और मिलाएंगे और इसको डोसे के जैसा पैटर्न देंगे। फ्रेंड्स, अब गरम तवे पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएं। तेल के गर्म होने पर उस पर थोड़ा सा तैयार किया मिश्रण डालकर हिला लें। इस पर तैयार किए गए आलू के स्टफिंग के टिक्के बनाकर रख दें। इस पर थोड़ा तैयार किया मिश्रण डालकर आलू की टिक्की को कवर कर दें। इसे हम कुछ सेकंड के लिए ढककर पकाएंगे। इसके बाद इस पर थोड़ा रिफाइंड ऑयल छिड़क देंगे। इसके थोड़ा पकने पर इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। इसे बारी बारी से दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो समझ लीजिए कि तैयार है। लीजिए फ्रेंड्स, आपकी स्वादिष्ट पोटैटो तवा सैंडविच तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।